नमस्कार, मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, क्यों होता है, अल्ट्रासाउंड से पहले क्या एहतियात बरतने होते हैं, आज हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको अल्ट्रासाउंड की बारीकियों के बारे में। देखिए, पेट का अल्ट्रासाउंड जो है कई कारणों से किया जाता है और इसको मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है, अपर एब्डोमेन और होल एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, यानी अपर और लोअर मिला के होल एब्डोमेन बनता है। अब इसकी इंडिकेशंस भी अलग अलग हैं और खर्चा भी ऑब्वियसली अलग हो जाता है, तो इसलिए जितना ज़रूरत होती है उतना ही किया जाता है। अपर एब्डोमेन में अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको बताते हैं। मेनली ये तब कराया जाता है जब अक्सर पेट में दर्द की शिकायत होती है और गॉल ब्लैडर डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है सीटी स्कैन में नहीं आता, अक्सर अल्ट्रासाउंड में ही पिक होता है। इसके अलावा पेट में और भी कुछ, उसके अलावा कोई गांठ वगैरह हो तो वो भी दिख जाती है इसमें। तो अब जो पेट का ऊपर का हिस्सा जो अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है, उसके लिए एक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है कि ये खाली पेट किया जाता है, फुल स्टमक कभी भी नहीं किया जाता है। नहीं, खा पी के आए और आप कहेंगे अल्ट्रासाउंड कर देंगे तो ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो है श्रिंक कर जाता है और वो फिर अल्ट्रासाउंड में पिक नहीं होता है। फिर आ जाता है बाकी अल्ट्रासाउंड पेट के लिए क्यों होते हैं। इसमें आंतों को देखने के लिए भी होता है, अपेंडिक्स भी कई बार दिख जाता है और किडनी के स्टोन भी दिख जाते हैं। किडनी के स्टोन भी अल्ट्रासाउंड में अच्छे पिक होते हैं, लेकिन ये सीटी स्कैन में भी पिक हो जाते हैं, अनलाइक गॉल ब्लैडर स्टोन। फिर प्रोस्टेट के लिए चेक किया जाता है और फिर लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड जो है वो, उसके भी कई हिस्से हैं। एक होता है आदमियों के लिए और एक होता है औरतों के लिए अलग से। औरतों के लिए जब किया जाता है तो उसके लिए बच्चेदानी को देखा जाता है और उसकी कंडीशन है। इस केस में अक्सर हम मरीज़ को कहते हैं कि पेशाब रोक के आना है, यानी पानी पीना और दो घंटे पेशाब नहीं करना है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए ज़रूरी है कि जो यूरिन का ब्लैडर है वो फुल हो। प्रोस्टेट देखने के लिए भी ब्लैडर फुल होना ज़रूरी है और उसके लिए फिर उसके बाद उसको खाली कराया जाता है। बाकी प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड एक अलग उसमें कैटेगरीज में आते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। उसके लिए हम मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड पूरी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड है। एक होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, एक होता है मेलफॉर्मेशंस देखने में और एक होता है टुवर्ड्स द एंड। उसके बीच में जब कभी ज़रूरत होती है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि ये अल्ट्रासाउंड करना है। तो इस तरह हमने पेट के जो अल्ट्रासाउंड है उनके विभिन्न अलग अलग जो है कंपोनेंट्स, उसको समझा है कि अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड क्या होता है, लोअर एब्डोमेन क्या होता है, प्रेगनेंसी का क्या होता है, आदमियों में क्या होता है और औरतों में क्या होता है। तो अपर एब्डोमेन के लिए पहले खाली पेट और लोअर एब्डोमेन के लिए ब्लैडर का फुल होना ये जरूरी है। निश्चित तौर से हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।